नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। तुर्की और सीरिया भूकंप से हुई तबाही का सामना कर रहे हैं। भूकंप से हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तुर्की में भारतीय सेना की ओर से एनडीआरएफ राहत बचाव काम में लगी है। एनडीआरएफ के काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। एनडीआरएफ अपने काम के साथ साथ अपने निजी जीवन की वजह से भी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। भारतीय राहत दल में शामिल जवान राहुल चौधरी की कहानी भी इसमें शामिल है। भारत की ओर से तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद भेजी गई, कई टन राहत सामग्री भेजी गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स एनडीआरएफ का दल और साथ में चार रेस्क्यू डॉग्स के साथ भारतीय सेना के बचाव दस्ते ने 99 लोगों की टीम पहुंची। इसी दस्ते में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले हवलदार राहुल चौधरी भी शामिल हैं। राहुल के सामने दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती परिवार की थी, क्योंकि राहुल चौधरी की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऐसे में हर पति चाहता है कि वह पत्नी की देखभाल कर सके। हवलदार राहुल चौधरी देश और परिवार के बीच अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर पहले ही मोहर लग चुकी थी। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राहुल कहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से बात की तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ जाने के लिए कहा। चौधरी ने बताया कि पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे पहले अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद राहुल चौधरी ने जल्द ही अपना बैकपैक किया और अपनी टीम में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़े, उनको पता चला कि उनकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। राहुल चिंतित तो थे, लेकिन देश के लिए अपना फर्ज पहले निभाना था। जवान तुर्की पहुंच चुके थे, तुर्की में राहत बचाव कार्य चल रहा था। उसी दौरान घर में पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। राहुल ने जैसे ही अपने साथियों को यह खबर दी तो गले लगकर सबने राहुल को बधाई देना शुरू कर दिया और कहने लगे, हवलदार राहुल चौधरी, अपने बेटे का नाम तुर्की चौधरी रखना मत भूलना। ऐसी एक कहानी और है भारतीय सेना के एक और जवान कमलेश कुमार चौहान की, जो तुर्की में उतरने के बाद एक बेटे के पिता बने। कमलेश यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या अब 34,000 को क्रॉस कर चुकी है। दुनिया के कई देशों ने तुर्की और सीरिया में राहत बचाव के लिए टीमें भेजी हैं। भारत ने भी ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ और सैनिकों को भेजा है, जो अपने बेहतरीन काम के साथ साथ अपने निजी जीवन के किस्सों से भी फेमस हो रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।